अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरा पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है मार्कियो इमेज। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? मार्कियो का टैग, ठीक है। अब इमेज पे वही वाले इफेक्ट्स मैं आपको बताऊंगी कि इमेज पे कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सिंपल, वैसे ही हमने मार्कियो का टैग लगाना है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हमने वैसे ही लगाना है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, पहले तो हम यहाँ पे क्या करते थे, कोई भी वर्ड लिख देते थे जो भी हमें यूज करना होता था, जिसपे हमें एक्शन परफॉर्म करना था। इमेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज लगाएंगे, इमेज का टैग पहले लगाएंगे, ठीक है। आइए जी, और सोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पे मैं दूंगी इमेज का पाथ, पहले फोल्डर का नाम दूंगी, ठीक है। उसके बाद में जो भी मैंने यहाँ पे इमेज लगानी होगी, जैसे मैं यहाँ पे लगाना चाहती हूँ टी डॉट जेपीजी, इसे करूंगी कंट्रोल एस और इसे हम करते हैं रन। ये देखिए व्यूअर्स, जैसे वर्ड आया था वैसे ही इमेज आ रही है, ठीक है। ये जो मैं सिंपल लगाया है क्या करेगा, इसने राइट से मूव करना स्टार्ट किया, लेफ्ट पे जाएगा, फिर ये राइट से वापस आएगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, और इसे यहां करते हैं पेस्ट। अब हम क्या करते हैं, यहां पे लगाते हैं डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इमेज भी चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे लगाती हूँ आई डॉट जेपीजी, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं इसे, और इसे जाके हम करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए व्यूअर्स, अच्छा, अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे इसकी विड्थ चेंज करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहां पे लिखूंगी विड्थ, ठीक है, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सपोज 40। कंट्रोल एस करते हैं इसे, ठीक है, और इसे जाके हम करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये कितना छोटा हो गया, ठीक है। ऐसा करती हूँ मैं, इसे कर देती हूँ 40%, ठीक है, और इसे हम करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए व्यूवर्स, अच्छा, अब हम यहां पे करते हैं, ऐसे ही मैं करती हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिहेवियर का टैग लगाते हैं, सॉरी एट्रीब्यूट यूज करते हैं बिहेवियर का, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ अल्टरनेट, इसे करते हैं कंट्रोल एस, और इसे हम जाके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए व्यूअर्स, ठीक हो गया। अब मैं क्या चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि ये वाला जो है ना, राइट साइड से, जो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, इसकी स्पीड थोड़ी सी चेंज हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, स्क्रॉल अमाउंट यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करूंगी, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और यहां पे मैं कर देती हूँ 20। इसे करते हैं कंट्रोल एस, और इसे जाके करते हैं हम रिफ्रेश। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसकी स्पीड ज्यादा हो गई। इसे हम ऐसे करते हैं 40 कर देते हैं, ताकि इसकी स्पीड जरा और ज्यादा हो और आपको क्लियरली
डिफरेंस का पता चले। ये देखिए मर्ज, अच्छा मैं आपको एक और बताती हूँ यहाँ पे इस करके, जो हमने वहां पे किया था डाउन का, यहाँ पे करते हैं ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डायरेक्शन एट्रीब्यूट लगाएंगे हम ठीक है, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पे मैं कर दूंगी डाउन, इसे कहते हैं कंट्रोल एस, और इसे जाके करते हैं रिफ्रेश। तो व्यूअर्स ये था आज का टॉपिक, आई होप आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज व्यूअर्स इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये ज्यादातर गेमिंग में यूज होता है, और अगर आपने स्लाइडर वगैरह लगाने हो तो आप HTML में अगर आप चाह रहे हैं तो ठीक है, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये ज्यादातर ये गेम्स के लिए है ठीक है, बाकी आप अपने पेज को जैसे अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, जो आप उस पर करना चाहते हैं, तो ये कुछ वेज हैं पेजेस को अपने अट्रैक्टिव बनाने के लिए ठीक है। तो व्यूअर्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और फिर यही कहूंगी कि इसे प्रैक्टिस भी कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।